जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, एक बार डालते हैं आज की हेडलाइंस की। कांग्रेस ने NTA पर लगाया ताला, राज्यसभा में 6 नए सदस्यों ने ली शपथ। संसद में आज गूंजेगा नीट धांधली का मुद्दा, आइए देखते हैं खबर विस्तार से। कांग्रेस ने NTA पर लगाया ताला। नीट पेपर लीक मामले को लेकर गुरुवार को NSUI और यूथ कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। NSUI कार्यकर्ता NTA दफ्तर में घुस गए और ताला लगा दिया। उन्होंने NTA बंद करो की जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों से उनकी झड़प हुई। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि NTA पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान जब कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्यसभा में 6 नए सदस्यों ने ली शपथ। राज्यसभा में गुरुवार को 6 नए सदस्यों के शपथ लेने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी नई मंत्री परिषद के सदस्यों का परिचय कराए जाने के बाद बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। साथ ही सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के निलंबन को वापस लेने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के बाद सभापति धनखड़ के निर्देश पर कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह, झामुमो के सरफराज अहमद, भाजपा के प्रदीप कुमार वर्मा, बंसीलाल गुज्जर माया नरोलिया और बाल योगी उमेश नाथ को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करने के बाद सभापति धनखड़ के निर्देश पर कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह, झामुमो के सरफराज अहमद, भाजपा के प्रदीप कुमार वर्मा, बंसीलाल गुज्जर माया नरोलिया और बाल योगी उमेश नाथ को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। संसद में आज गूंजेगा नीट धांधली का मुद्दा। कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया के अन्य घटक दल शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG में धांधली का मुद्दा उठाने का फैसला किया। विपक्षी दल दोनों सदनों में नोटिस भी देंगे, वे महंगाई और अग्निपथ योजना जैसे विषय भी पर मुद्दा उठा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी दलों के सदस्य राज्यसभा में नियम 267 के तहत और लोकसभा में कार्यस्थगन के नोटिस देकर नीट के मामले पर चर्चा एवं सरकार से जवाब की मांग करेंगे। विपक्षी दल संसद में शुक्रवार से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू हो रही चर्चा में भी भाग लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में खड़गे के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, रकांपा के अध्यक्ष शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली दस्तीदार, द्रमुक की कनीमोजी, शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS।